जो ये फुहारे के पानी का बूंदे पड़ेंगे ना इनमें, तो ये अच्छे, बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। और अब चलते हैं पंडाल के सामने, पंडाल। तो चलो गाइस चलते हैं सीधे स्टेज के सामने। और भाई इस बार स्टेज में मतलब अलग ही लुक नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है। और इस बार मतलब स्टेज का लुक कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है भाई। ये देखिए गाइस, ये पूरा मतलब सिर्फ 100 पीस के लिए है, और मतलब परमानेंट नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे डीबी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज आ चुके हैं हम गोचर में, और जैसे कि आपको पता है कि कल मेला है, गोचर मेला, और कल 14 तारीख से स्टार्ट है मेला। और देखिए अभी हम आ रखे हैं, क्या क्या तैयारियाँ हो रही है गोचर मेले में, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो ये चरखी है, चरखी के सारे डब्बे हैं। तो गाइस यहाँ पे 2 साल बाद मेला हो रहा है, तो कुछ अलग ही हटके होगा इस बार। और हर जगह मेले हुए हैं लेकिन गोचर में मेले नहीं हुए था 2 साल से कोरोना काल की वजह से, लेकिन इस बार होगा जो मेला तो वो अलग ही होगा, क्योंकि इस बार पंडाल भी मतलब बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखिए ये सारे लग रहे हैं। और यहाँ पे लगेगा तुम्हारा ड्रैगन, तो यहाँ पे ड्रैगन लग रहा है, और यहाँ पे चरखी लगेगी, इसलिए ये डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे इस साइड जादू वालों के खेल लगते हैं, आप सबको पता ही है कि क्या क्या रहता है यहाँ पे। तो दोस्तों इस साइड फील्ड फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल, ये इस चीज़ खेलने के लिए। तो देखिए आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है। और इस बार ये वाली चरखी भी आ रही है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, और बुकिंग काउंटर। तो चलो यार पेमेंट पूछते हैं। तो भाई अपना मोबाइल ऑफर्स की स्वयं रख सक रहे हैं। इस बार क्या क्या टिकट है, कन्फर्म नहीं है अभी? 60 होगा लगभग, पता नहीं कितना होगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं इस वाले को? ब्रेक डांस। ब्रेक डांस, अच्छा। बाकी ड्रैगन वहाँ पे लग रहा है, अच्छा। इधर ये चरखी के लिए, ये नाव झूला है, अच्छा नाव झूला। इधर और वो मौत का कुआ, अच्छा अभी लग रहा है। तो गाइस धीरे धीरे मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ आ भी रही है, और अभी बहुत चीज़ लगना बाकी है। और इस साइड लगता है मौत का कुआ जिसे बोलते हैं, जहाँ बाइक और कार वगैरह चलती है। और गाइस इस बार देखते हैं गोचर मेले में क्या क्या नया आता है। और आपको जैसे पता ही है कि उत्तराखंड में मतलब बहुत पहले से ये गोचर मेला लगता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस मतलब पूरा ट्रक अनलोड कर रहे हैं, और ये बाइकें, और ये वाली छोटी छोटी चरखियाँ जो भी है, और सफाई अभियान भी लगातार स्टार्ट है फील्ड में। और ये देखिए इस साइड मतलब कपड़े वगैरह के दुकानें लगने बैठ गई है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 2 साल कोरोना काल में ये मेला नहीं लगा, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे बड़ा मेला लगता है ये वाला, इस वजह से 2 साल बंद रहा, और अब लग रहा है 2022 में। तो चलो देखते हैं थोड़ा इस साइड भी क्या क्या तैयारी करके, और मतलब गोचर मेले में आने से पहले आपको बता दें क्या क्या तैयारी होती है और क्या क्या नहीं हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लगने बैठ गया। तो पूछते हैं यहाँ पे पहले कहाँ थे अंकल जी, पहले कहाँ थे आप? इससे अगस्त मुनि में थे। अगस्त मुनि हो गया मेला ख़त्म? अच्छा कब हुआ? आज, कल हुआ था। अच्छा तो मतलब आज आए या कल आए आप यहाँ? आज ही आए, ठीक। ये देखिए भाई इस साइड भी सारे लगातार लगे हैं तैयारी करने पे। हमें भी वैसे अपनी दुकान लगानी चाहिए, और इस साइड मतलब गली गली रहती है, ये पूरी गली गली है जो ये वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने मतलब मेला स्टार्ट होने से पहले ही हमने यहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया है, और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं। और देखिए भाई पूरा सामान वगैरह आ रखे, और लाइटिंग वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था करने बैठ गए यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर लाइटिंग लग रही है सामने, आ जा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ से बांस वगैरह आ चुके हैं। इससे पहले अगर जो बाहर के हैं ये सारे, तो पहले अगस्त मुनि पोखरी मतलब जहाँ जहाँ मेले लगे होंगे वहाँ वहाँ ये गए हैं, और अब आ चुके हैं गोचर में। गोचर के बाद लगता है श्रीनगर में, तो श्रीनगर भी जाएंगे ये लोग। और हम अभी पहुँच चुके हैं पंडाल वाली रोड पर, और ये देखिए ये रोड है, और सामने सीधे मार्केट में पहुँचते हैं गोचर, वहाँ पर गेट है। और यहाँ पर ये देखिए फुहारे के सामने हम पहुँच चुके हैं। तो इस बार दोस्तों फुहारे को भी बिल्कुल ही अलग से सजाया हुआ है, और फुहारे के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। और भाई ये पेड़ कब लगाए गए हैं पुष्करदा?
ये पहले से लगाया है? काफी समय हो गए इनको पहले से। तो भाई हमने ध्यान नहीं दिया, तो पहले से ये पेड़ लगे हुए हैं और फुहारे की भी सफाई हो चुकी है। क्या तो दोस्तों इसके अंदर जो बो रखे हैं और ढके हुए हैं कि कोई चिड़िया वगैरह ना खाए, और जैसे ही मतलब जिस दिन 14 तारीख से मेला स्टार्ट होगा तो उस दिन से ये हटाया जाएगा। और जो ये फुहारे के पानी का बूंदे पड़ेंगे ना इनमें, तो ये अच्छे बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। और अब चलते हैं पंडाल के सामने, पंडाल में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो गाइस इस बार हमें पंडाल अलग ही नज़र आ रहा है और अलग ही लुक में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पंडाल नज़र आ रहा है इस प्रकार का। और भाई 14 तारीख से 15 या 16 17 जब भी होगा तो इस स्टेज में हमारे भी प्रोग्राम होगा। और भाई ये देखिए इस बार पंडाल मतलब अलग ही लुक है पंडाल का। तो चलो गाइस चलते हैं सीधे स्टेज के सामने। और भाई इस बार स्टेज में मतलब अलग ही लुक नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है। और इस बार का पंडाल मतलब अलग ही, और अभी तो देखते हैं क्या क्या सजावटें होती है। और इस बार तो भाई नया ही लुक आ रखा है पंडाल में, इससे पहले आज तक कभी ऐसा लुक नहीं देखा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारे फाइबर के बने हुए हैं थर्माकोल के, और जो ये हैं ये भी सारे मतलब थर्माकोल लकड़ी इसके हैं, और कुछ इस प्रकार के ये भी, तो ये भी सारे थर्माकोल से बने हुए हैं। और इस बार मतलब स्टेज का लुक कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है भाई, पूरा मतलब अलग ही। तो चल तो थोड़ा देखते हैं, अभी तो मतलब और सजाया जाएगा, इसके बाद पता नहीं कैसा कैसा लुक आएगा स्टेज का। तो अभी यहाँ पे सजा जा रहा है, तो जैसे ही फाइनली होगा तो हम 14 को भी जिस दिन गोचर मेला स्टार्ट होता है उस दिन भी हम यहाँ पे आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलो गाइस एक बार आपको नज़दीक से दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या बनाया हुआ है, और थोड़ा मैं भी टच करके देख लूँ क्या क्या है। ये देखिए गाइस ये पूरा मतलब सिर्फ 100 पीस के लिए है और मतलब परमानेंट नहीं है। तो इस प्रकार का यहाँ पे नया नया लुक नज़र आ रहा है इस बार। और देखते हैं इस साइड भी थोड़ा क्या क्या है। और यहाँ पे पूरे फोटोशूट वगैरह लगातार चल रहा है, और स्टेज से कुछ इस प्रकार का नज़ारा सामने का रहेगा। और जब नाइट को प्रोग्राम होंगे यहाँ पे तो लाइट स्टेज की ओर रहेगी, तो आगे सामने कोई नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे अभी बहुत चीज़ बाकी है। कितने टाइम से आप स्टेज बना रहे हो यहाँ पे? ये 6 तारीख से। 6 तारीख से लगातार लगे हो आप, और कंप्लीट हो जाएगा कल तक? कल तक नहीं, आज ही हो जाएगा। आज ही हो जाएगा पूरा कंप्लीट लगेगा बस, हो जाएगा। अच्छा, तो वाटर प्रूफिंग के लिए ये लगा रहे हो आप, इस बार नया स्टेज बन रहा है? इससे पहले भी आपने काम किया है यहाँ? यहाँ पे तो हम पहली बार आए हैं, इससे पहले अच्छा, दूसरा बंदा था मेरा ही अच्छा, रहता है, वो काम कर रहा था। तो गोचर मेला आप पहली बार आ रहे हो, तो कैसा लगा? अभी तो देखोगे आप गोचर मेला मतलब उत्तराखंड में मतलब जितने जगह मेले लगे होंगे तो ये सबसे बड़ा मेला रहता है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे बहुत बड़ा मेला रहता है, मतलब 70 बार लग गए हर साल में। 70वां बार लग गया। हाँ, 2 साल थोड़ा गैप रहे। तो चलो धन्यवाद, आप इतना मेहनत कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और ये किसने बनाया आप इन लोगों ने? ये इसका दूसरा ग्रुप रहता है। अच्छा, इसका दूसरा रहता है। चलो ठीक है, ठीक। तो पहले दोस्तों क्या होता था कि उस साइड से भी लोग, उन कोनों से भी लोग देखते थे, और अब ये सारा बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए भाई मतलब इस बार पूरा पंडाल पैक है, सिर्फ आगे का नज़ारा इसी साइड से नज़र आएगा। तो दोस्तों इस साइड लगातार प्रदर्शनी वगैरह लगे रहते हैं, और देखते हैं इस बार क्या क्या आता है मेले में, और आएंगे आपको दिखाएंगे 14 तारीख को कि क्या क्या रहता है और नया। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे कर रहे हैं गोचर मेले को सजाने की तैयारी, और लगातार ये फूल वगैरह सबके पास अपना अपना काम है, और हमारे पास जैसे कि हमारे पास अपना खुद का काम है तो सबके पास काम बटा हुआ है। तो एक नज़र आपको फुहारा से पंडाल की ओर दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए पूरा मतलब फुहारा और पंडाल, और ठीक अगर आपको सामने दिखा दूँ तो ठीक सामने है गेट, और वहीं से गाड़ियाँ आएगी, तो बाकी और जगह से गाड़ियाँ नहीं आएगी। और तो अभी देखिए चारों तरफ ये देखिए इस साइड से भी और इस साइड से भी, और यहाँ पे आइसक्रीम की ठेली,
अक चुकी है। और भाई चलो चलते हैं यार अब सीधे गेट के सामने, और हमारी तो गाड़ियां हैं उस साइड खड़ी। तो गाइस अगर किसी को पता नहीं होगा, जो नए आते हैं गुचर मेले में और उनको अगर वॉशरूम के बारे में पता नहीं होगा, तो यहाँ पे लगता है मौत का कुआं, और उसके पीछे ठीक टॉयलेट वॉशरूम इस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो आप वहाँ जा सकते हैं, जेंट्स भी है लेडीज़ भी है दोनों है। तो आप गुचर मेले में परेशान ना हो कि बाथरूम कहाँ जाए, तो आपको मैंने बता दिया है। तो गाइस मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि यहाँ पे लगातार एक महीने से ये लोग तैयारी कर रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग अपने काम में इतने एक्सपर्ट है कि इन्हें सिर्फ दो दिन का मौका चाहिए। और देखिए कल दो दिन बाद मेला है, तो तब तक ये हर चीज़ मतलब रेडी कर देंगे और रात भर लगे रहेंगे अपने काम पे जब तक इन्होंने हर चीज़ कंप्लीट नहीं कर दिया। और जैसे कि मैंने वहाँ पंडाल में भी पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, परसों तक हो जाएगा, वो कह रहे कि आज ही हम इस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे। और लगातार मतलब बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा करोड़ों का बजट रहता है गुचर मेला। और गाइस मुझे ऐसा लगा कि ये देखिए यहाँ पे जनरेटर ले जाया जा रहा है, जिससे कि चरखी वगैरह और बहुत चीज़ें चलाई जाएगी इससे। तो ये देखिए जो ड्रैगन है उसके नीचे लगाया जाएगा ये वाला इंजन। गाइस कैसे लगे आपको मेरी ये वाली व्लॉग गुचर मेले में जो तैयारी चल रही है आज मैंने आपको दिखा दिया है। और जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर करें यार। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, व्लॉग लाते रहते हैं, नई नई व्लॉग लाते हैं, नई नई जगह की लाते हैं, नई नई चीज़ दिखाते हैं, सपोर्ट उतना नहीं मिलता है। तो यार ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें यार। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।